कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 18 अगस्त बुधवार श्रावण शुक्ल पक्ष, किस दिन है पुत्रता एकादशी का व्रत। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रता एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं होती हैं या जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की कामना है, उन्हें पुत्रता एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना उत्तम माना गया है और इस दिन संतान की कामना के लिए भगवान कृष्ण की, बालकृष्ण की स्वरूप की पूजा की जाती। संतान की प्राप्ति के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत खास महत्व रखता है। यदि आप स्वस्थ उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, नहीं रख सकते निर्जला तो फलाहार लेकर के आप व्रत रख सकते हैं। विधिवत पूजा के बाद समय पर इसका पारायण करना चाहिए और इसके साथ साथ शिव आराधना और मुरादें पूरी करने के लिए श्रावण मास में सबसे उत्तम है। तो श्रावण में एकादशी पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए उत्तम मानी गई है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करें तो श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुत्रता एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त बुधवार को सुबह 3:20 से प्रारंभ होगा और उसी दिन रात में 1:05 पर इसका समापन हो जाएगा। अतः श्रावण मास की पुत्रता एकादशी का जो व्रत है ये 18 अगस्त को रखा जाएगा। आप सभी के जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा हो, आप सभी पुत्रवान हो, ऐश्वर्यवान हो, धनवान हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।